हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दे ब्लॉग में आप सभी लोगों को फिर से एक बार स्वागत है। और चलिए आज चलते हैं आप लोगों को बिल्कुल एक नए वीडियो की ओर लेके, और आप लोगों को आज 220 टन क्रेन ग्रोप का बारे में आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें और मैं चलता हूँ क्रेन की ओर और आप लोगों को बताता हूँ कि इसका क्या फंक्शन है और किस तरह से इसको ऑपरेट किया जाता है। तो मैं आज इसके बारे में बताने वाला हूं आप लोगों को, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में मेरे बने रहें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और जाके बेल आइकन पे बेल बजा दें जरूर ऑल पे जाके, ताकि आप लोगों को मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और चलिए देर न करते हुए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा क्रेन, जो कि बिल्कुल आप देख सकते हैं पूरा क्रेन। तो आज इस क्रेन के बारे में आप लोगों को मैं जो किस तरह से इसका बूम निकलता है, यानी कि किस तरह से इसका फंक्शन है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ बारीकी से। तो ये रहा कंप्यूटर अंदर का, और चलिए देर न करते हुए सेल्फ मारते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो हमारा कंप्यूटर देखिए स्टार्ट हो चुका है, स्विच देते ही कंप्यूटर ऑन हो जाता है, लेकिन एक बार सेल्फ मारना पड़ता है तब जाके इंजन चालू होता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं, ये जो फर्स्ट वाला स्विच है जो कि राइट साइड लीवर के साइड में है, फर्स्ट स्विच जो है वो बेंच के लिए है। बेंच बोला जाए तो जो कि हम लोग काउंटरबेट नीचे और ऊपर करते हैं तो उसको बेंच बोलते हैं। और सेकंड बूम जो है, सेकंड बूम देखिए हरा कलर में दिख रहा होगा दूसरा, तो वो हमारा है बूम अप डाउन करने के लिए। तो सेकंड स्विच अगर दबाएंगे तो बूम अप डाउन होगा, ठीक है। और अभी जो हम बताने वाले हैं वो आपको तीसरा स्विच जो बताने वाले हैं, ये तीसरा स्विच जो है इसके बारे में आपको, ये जो दूसरा नंबर बटन देख रहे हैं ना, ये दूसरा नंबर बटन, ये बिल्कुल जो ये बटन जो दिख रहा है, ये बटन हमारा बूम अप डाउन का, हाँ ये बटन। और ये जो बटन है ना, ये तीसरा बटन है, ये तीसरा बटन हमारा जो है इससे हमारा बूम निकलेगा और अंदर होगा। तो आज आपको उसके बारे में बताने वाले हैं। तो देखिए ये जो फर्स्ट वाला है ये हमारा बैच का है, और ये सेकंड वाला है देखिए बूम अप एंड डाउन का है, और ये थर्ड वाला जो है उससे बूम निकलेगा, और ये है बैच का। और ये रहा हमारा जो रेड दिख रहा है, अभी ग्रीन हो जाएगा, देखिए फर्स्ट स्विच दबाएंगे तो ये लॉक का है। तो लॉक का जो हमारा है ये दूसरे साइड पर है, तो देखिए ये जो लेफ्ट साइड है ये स्विच है लॉक का, इसको हम अनलॉक कर दिए। तो देखिए ये स्विच आप दबा दीजिएगा नीचे तो वो स्विच हमारा खुल जाएगा, और ऊपर की ओर रहेगा तो लॉक हो जाएगा। There. Subscribe to my channel and also press this bell icon. चलिए तो बूम निकालने के लिए सबसे पहले देखिए ये स्विच को नीचे की ओर रहना पड़ेगा, जो कि हमारा ऑलरेडी नीचे है। उसके बाद से चलिए आगे बताते हैं। तो वो जो स्विच है वो स्विच राइट साइड में है, और हमारा जो ये लीवर है जिससे बूम निकलेगा देखिए ये लेफ्ट साइड में है। तो लेफ्ट साइड का जो बूम है आगे की ओर हमको ढकेल कर रखना पड़ेगा, आगे की ओर जब तक ढकेल कर रखना पड़ेगा तब तक हमारा पूरा जब तक बूम निकल नहीं जाता है, क्योंकि इसमें जो होता है सेंसर होता है वो आके ले कर जाता है वो। चलिए आपको मैं आगे बताता हूँ। तो देखिए लेफ़्ट साइड का जो हमने लीवर को दबा के आगे की ओर रखे हैं तो ये बूम हमारा निकल रहा है। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा कि जो स्विच है वो तीसरा नंबर स्विच राइट साइड में है जिसको नीचे करेंगे, और हमारा लीवर लेफ़्ट साइड में है। इस क्रेन का लेफ़्ट साइड का लीवर जो आगे की ओर दबा के रखेंगे तो ये बूम आगे निकलेगा, ये ऑटोमेटिक है। अब आपको कुछ भी नहीं करना होगा, सिर्फ उस बूम को दबा के रखना पड़ेगा जब तक ये पूरा निकल नहीं जाता है जितना हम सेट किए हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए कंप्यूटर सेटिंग बताए नहीं है, आपको आगे बताएंगे। लेकिन चलिए अब बताते हैं कि ये कोई कैसे जाता है और किस तरह से ये सेंसर लेके जाता है और लेके आता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि बोलते किसको है सेंसर। तो देखिए ये जो बूम का बिल्कुल बीच में सामने आपको ये घूमता हुआ दिख रहा है, देखिए यही है जो हमने जब कंप्यूटर सेट कर देते हैं तो यही है जो कि हमारा बूम को लेके जाता है और ऊपर ले जाके छोड़ता है और फिर दोबारा आता है और फिर लेके जाता है। तो ये इस तरह से इसका काम यही है करना, जो ऑटोमेटिक होता है ये यही काम करता है। तो देखिए अभी ये दूसरा बूम लेने के लिए आ रहा है, देखिए ये नीचे की ओर आ रहा है यानी कि रस्सी मुड़ रहा है, तो ये दूसरा बूम लेने के लिए आ रहा है। तो चलिए आपको कंप्यूटर में भी दिखाते हैं कि किस तरह से है। तो देखिए
ये रहा कंप्यूटर में शो कर रहा है। देखिए एक बिल्कुल जो झंडा जैसा एकदम बिल्कुल ऊपर में निकला हुआ है, देखिए पहला बूम जो छोड़ा था वो है। और अभी ये जो ब्लू का टिक दिख रहा है, ब्लू सा टिक है ये, देखिए ये जो ब्लैक हो जा रहा है ब्लू हो जा रहा है, ये अभी दूसरा बूम हमारा लेके जाएगा। तो दूसरा बूम जब लेके जाएगा तो वो ब्लू टिक ये जो है वो हमेशा आगे बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो इससे हमारा पता चल जाता है कि बूम चला गया। और जब ऊपर चला जाता है तो ऑटोमेटिक वो लॉक हो जाता है, फिर से वो जो आपको दिखाया था वो सेंसर दोबारा लेने आता है। तो आपको कुछ करना नहीं होगा, बिल्कुल आपको लीवर को आगे की ओर ढकेल के रखना पड़ेगा जब तक वो पूरा बूम निकल नहीं जाता है जितना पे आप सेट करेंगे। तो देखिए ये जो हमारा है इसको आगे की ओर ढकेल के रखना पड़ेगा। तो देखिए मेरा बूम निकलना दूसरा भी चालू हो गया। तो इसी तरह से पूरा बूम निकलता जाएगा, लेकिन आपको हमेशा लीवर को दबा के ही रखना पड़ेगा जब तक पूरा निकल नहीं जाता है। और देखिए ये जा रहा है, देखिए आपको यहाँ से पता चल रहा है, जब ये पूरी तरह से चला जाएगा तो फिर से ये हमारा वापस आएगा तीसरा बूम लेने के लिए। तो यही है फंक्शन जो कि हमेशा ये करता ही रहता है काम अपना ऑटोमेटिक, सिर्फ आपको चालू करके और वो आपको लीवर को दबा के सिर्फ रखना पड़ेगा। तो उसके बाद से आप पूरा बूम इसमें निकलना चालू हो जाता है। तो देखिए आप बीच में जब ये दूसरा बूम भी पूरा निकल जाएगा ना, तो फिर यहाँ पे जो हमारा ये सेंसर लगा हुआ है, ये जो आपको सेंसर दिख रहा है, देखिए ये सेंसर ये जो लगा हुआ है ये फिर से दोबारा वापस आएगा घूम के नीचे, और नीचे आएगा और ये जो फिर से तीसरा बूम लेके जाएगा। तो देखिए इस तरह से वो पूरा जितना भी आप सेट करेंगे, एक बूम सेट करें या 3, 4, 5, 6 जो भी करना हो, तो 6 बूम जितने परसेंट पे सेट कर दें, 80 पे 60 पे 70 पे 90 पे, तो जितना पे सेट करेंगे तो ये हमारा इसी तरह से ऑटोमेटिक निकलता जाएगा। तो यही हमारा फंक्शन है ये क्रेन का बूम निकालने का, जो कि आप जिस तरह से सेट करेंगे उसी तरह से ये बूम निकलता जाएगा और आप आसानी से लीवर को पकड़ के सारा बूम निकाल सकते हैं। तो देखिए हमारा तीसरा बूम भी निकलना बिल्कुल चालू हो गया है और ये पूरा निकल जाएगा। उसके बाद से इसी तरह से जितना आप चाहे निकाल सकते हैं। तो आसान है, बिल्कुल एक बार सेट कर दीजिए, उसके बाद लीवर को आप पकड़े रहिए और आसानी से बूम निकलता जाएगा। वो सेंसर आएगा वापस, फिर से लेके जाएगा, फिर से आएगा, फिर से लेके जाएगा। तो इसका यही काम है, बहुत ही आसान है, बस आपको लीवर पे हाथ रखना है और कुछ करना नहीं है जब तक पूरा निकल नहीं जाता है। और लेकिन एक चीज़ याद रखे, ये जो हुक है ये आपको हमेशा डाउन करते रहना पड़ेगा दूसरे साइड लीवर से। अगर आप हुक को डाउन नहीं करेंगे तो सिर्फ बूम निकालते रहेंगे तो ये हुक ऊपर फंस के और टूट के गिर सकता है नीचे। इसीलिए आप हमेशा याद रखें, कभी भी बूम निकाले तो आप हुक को बिल्कुल रोप को नीचे डाउन करते जाएँ ताकि वो बूम ऊपर जाके हमारा हुक टच ना करे। तो चलिए अब आगे आपको दिखाते हैं। देखिए ये छोड़ के चला गया और अब चौथा बूम निकालेगा। तो चौथे बूम के लिए फिर से देखिए ये अपना काम कर रहा है और देखिए अभी चौथा बूम भी इतना निकल चुका है। और आप लोगों को शायद अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं हर एक वो चीज़ दिखा दिया इसमें, किससे लेके जाता है, कहाँ पे शो करता है, किससे दिखाता है, कौन सा लीवर से ये करता है, तो आपको मैंने पूरा बता दिया। इसमें बस अंदर यही फंक्शन है। और वीडियो बहुत काफ़ी लंबा हो जाता है जिसके कारण से मैंने कंप्यूटर में बूम किस तरह से सेट किया जाता है वो नहीं बनाया, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ज़रूर बना के दूंगा कि बूम को किस तरह से सेट किया जाता है, कितने में सेट किया जाता है। 100% में कभी सेट नहीं किया जाता, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। कभी भी सेट कीजिए तो 92% तक आप लोग सेट करके सारा बूम निकाल सकते हैं, बाकी नीचे जितना भी आप कर सकते हैं, एक बूम 60 पे 70 पे 80 पे, जिस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए हमारा चौथा बूम भी निकलना चालू हो गया है। बस लीवर को आप हाथ लगाए रखिए और जितने पे आप सेट करेंगे, 60% पे तो 60 निकलेगा, अगर एक बूम 30 पे करेंगे तो 30 निकलेगा, अगर चारों बूम 40-40 पे करेंगे तो 40 निकलेगा, चारों बूम 80-80 पे करेंगे तो 80 निकलेगा। यानी कि आपको 60 पे 70 पे 80 पे 90 पे जितना पे करना है ये बूम उसी तरह से करके एक बार छोड़ देंगे और लीवर पे ये रखेंगे। तो देखिए ये यहाँ का रस्सी भी खाली हो चुका है, ये रस्सी का काम है, यानी कि ये जो सेंसर का काम है सिर्फ ये बूम को ले जाना और ले आना, ले जाना और ले आना, बस यही काम है ये बूम का और दूसरा कोई काम नहीं है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा हमेशा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, और आप लोगों को और कुछ नया जानकारी देते हैं क्रेन के बारे में, तो आप लोग मेरे वीडियो में हमेशा बने रहिएगा ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को तो ज़रूर ही मिलेगा।
तो इसीलिए आप लोग मेरे वीडियो पे बने रहें और कुछ सीखें, ताकि आप लोगों को भी आगे कुछ काम आए हमारे बताए गए इस जानकारी से। तो गाइज, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और बेल आइकन पे जाके ऑल पे जाके बेल दबा दें, ताकि जो मेरा नया वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को मिल सके। और को लाइक और कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके एक शेयर से किसी और को भी सीखने को मिल जाए। और आप लोगों के मन में अगर कोई ख्याल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को एसएमएस का जवाब देने का। और जो भी अगर कुछ पूछना हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, या तो मैसेज पे अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.